हाँ ओके दिल्ली के जितने भी बच्चे हैं ना वो ना स्टूडेंट वो मैंने अटेंडेंस शीट शेयर कर दी है, तब तक अटेंडेंस फिल कर दें। और हिमाचल का भी अटेंडेंस शेयर हो गया होगा, वो भी शेयर कर दे, वो भी अटेंडेंस फिल कर दे तब तक। ग्रीनिंग मैम। मैम हिमाचल की अटेंडेंस शीट फिर से अन्ना से। यस मैम। ठीक है अभी शेयर हो जाएगी। आप लोग अपने चैट बॉक्स में, सिल्की चैट बॉक्स में देखना, फिर से शेयर हो गई है। करो जो भी लिंक है आपके अटेंडेंस के वो एक बार सभी दोबारा पेस्ट कर दो, और क्लास के एंड में एक बार सब लोग क्या कर लेना, उसको अटेंडेंस लगा देना। ठीक है अभी हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये जो दिल्ली वाले स्टूडेंट है, हिमाचल वाले स्टूडेंट तो देखो डेली प्रेजेंट है क्लास में, है ना। मैं देखती हूँ कि हिमाचल वाले स्टूडेंट्स क्लास में कंटिन्यू डेली कंटिन्यू आते हैं, ठीक है। बट ये जो दिल्ली वाले स्टूडेंट है भाई, इनको क्या इशू है? ये इवनिंग वाली क्लास क्यों नहीं लेते, जो रात को 8 बजे वाली क्लास होती है उसमें क्यों नहीं आते हो दिल्ली वाले बच्चे? मैम आप भी बता दीजिए, जो बच्चे दिल्ली के आ रहे हो फिर नहीं आ रहे हो क्लास में, आप मुझे बस एक बार नाम बता दीजिएगा, इनको एक बार वार्निंग देंगे, अदरवाइज फिर इनको क्लासेस नहीं मिलेंगे। हाँ हम हिमाचल वाले बच्चे तो कॉन्टिन्यूअस है क्लास में, बट दिल्ली वाले बच्चे कॉन्टिन्यूअस नहीं है क्लास में। आपको एक बार मैं अटेंडेंस ऐसे देखती रहूंगी, पर अगर आपको ऐसा कोई लगता है कि हाँ ये बच्चा रेगुलर था फिर नहीं आ रहा, तो मैं हाँ जरूर एक ही बार वार्निंग मिलेगी आपको, फिर इसके बाद आपको क्लासेस नहीं मिलेगी। मैम प्लीज एक बार ना आप अटेंडेंस भी चेक कर लेना दिल्ली वाले बच्चों की, और एक बार ये देख लेना कि एक बार उनकी क्लास होती है, तो ये इवनिंग वाली होती है 5:30, एक होती है 8 वाली। तो जहां हाँ तक है आप देखोगे 8 वाली क्लास के जो टोटल अटेंडेंस है, और एक जैसे एक इनकी क्लास कल हुई थी, आप उसकी टोटल अटेंडेंस देख लेना और एक बार आज की टोटल अटेंडेंस देख लेना, है ना। तो उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। यस मैम। वैसे तो आप डेली अब तो ऑथ लेयर से बच्चे जुड़ने लगे हैं ना, तो अब इसमें ये भी होगा कि कितनी देर बच्चा रहा है क्लास में, ये भी पता चल जाएगा हमें, कितना ठीक है टाइम अटेंड चला तो नहीं गया, तो अब सारी अटेंडेंस हमारे पास आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ओके मैम। थैंक यू मैम। बच्चों हम लोग कल क्वेश्चंस कर रहे थे, तो मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था, ये हुआ था, इसका आंसर कितना आया था बताओ? ये मैंने क्वेश्चन दिया है ना तुम लोगों को कल, ये वाला घर से सॉल्व करने के लिए, तो मुझे इसका आंसर बता दो कि इसका आंसर तुम्हारा क्या आया था, मैच कर लेती हूँ आंसर को। एक चैट बॉक्स ऑन है, मैं चैट बॉक्स रीड कर रही हूँ। चलिए तो कल बच्चे जो प्रेजेंट थे क्लास में, इसका मुझे आंसर बताओ कि इसका आंसर कितना आया था, तो अब तो क्या होगा ना घर पे।
मैंने बताया था इवन आपको फाइंड करना है, ई टू फाइंड करना है और ई थ्री फाइंड करना है. इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आंसर है वो है जीरो. ठीक है, टोटल जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे और उनको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से एड करोगे तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर कितना मिलेगा, जीरो. तो कल की क्लास जिन स्टूडेंट्स ने मिस करी है तो दे हैव ग्रेट लॉस, क्योंकि कल हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करे थे. ठीक है, तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डायपोल. ठीक है, डायपोल स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन, एक सवाल देना चाहूंगी. ठीक है, उसको ट्राई करना, पांच से छह मिनट लो, बट ट्राई करो. टेक सम टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व दिस. देखो क्या है, एक ये हमारे पास एक हेमिस्फीयर है. ठीक है, ये हेमिस्फीयर है और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टली. ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज डिस्क रखी हुई है. ठीक है, चार्ज डिस्क रखी हुई है. अब ये चार्ज डिस्क क्या होगी, हमने यहाँ से एकदम इस चार्ज डिस्क को क्या किया है, जेंटली रिलीज किया है. ठीक है, रिलीज किया है बहुत स्लोली. ठीक है, अब इसको जब रिलीज किया तो ये यहाँ से स्लाइड डाउन होगी और किसी एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इसका जब ये स्लाइड करेगी एक पॉइंट पे यहाँ से ये स्लिप डाउन हो गई, इस सरफेस से दूर चली जाएगी. मान लो ये पॉइंट है जहां से ये क्या होगा, स्लाइड अवे हो जाएगी, है ना, स्लाइड हो जाएगी यहाँ से, अवे हो जाएगी. तो ये पॉइंट कुछ भी मान लो, तो मान लो दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज बी, और इस यहाँ पे पॉइंट बी पे जहां पे जो ये डिस्क है अवे हो जाएगी, मतलब नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जाएगी, कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा. वो किस पॉइंट पे होगा, जब आपकी एंगुलर पोजीशन कितनी होगी, वो गिवन है क्वेश्चन में, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/5. ठीक है, ये गिवन है. अब आपको निकालना है रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के फोर्स का रेशियो, और विच इज एक्टिंग ऑन डिस्क. ठीक है, एंड फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कौन सा है, फील्ड का, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन विद फील्ड. ठीक है, क्योंकि ये चार्ज्ड है, जो डिस्क है वो क्या है, डिस्क हमारी कैसी है, चार्ज्ड है. ठीक है, इसकी ये रेडियस हो गई यहाँ पे आर. ठीक है, पॉइंट बी पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल की वैल्यू जीरो हो जाएगी. अब आपको क्या, देखो मैंने तुम लोगों को जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराया था ना, डेली वाले स्टूडेंट हैंड रेज करो. ओनली सिर्फ छह बच्चे. ठीक है, तो मैंने तुम्हें जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराया था तो मैंने तुम्हें इसकी इक्वेशन लिखवाई थी ना, कि जब पार्टिकल ऐसे मूव करेगा तो, और जिस पॉइंट पे जब पार्टिकल लीव करके जाएगा उस पॉइंट की इक्वेशन किस तरीके से लिखनी है, तो वो यहीं पे वही वाला जो रूल है वो अप्लाई होगा. आपको क्या करना है, हिंट देती हूँ, एक इक्वेशन बनाओ. कौन सी, वर्क एनर्जी काइनेटिक थ्योरम से. ठीक है, वर्क एनर्जी काइनेटिक थ्योरम से कैसे बनाओगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, दूसरा एक इक्वेशन बनाओ, ये इक्वेशन कितनी होगी. देखो एडवांस लेवल के क्वेश्चन बच्चों इसी तरीके से सॉल्व होंगे, मल्टी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एक कॉन्सेप्ट से नहीं होगा. अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट 11th के क्लियर नहीं है तो एडवांस लेवल में थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आएगी, और मैं क्लासेस में एडवांस क्वेश्चन भी करवा रही हूँ. ठीक है, चलो बताओ, ट्राई टू सॉल्व दिस. अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, चलो इतना बताओ. ये मान लेते हैं हम इसका मास है m. ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ कितना लगेगा. वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, एफ डॉट एस, फोर्स कितना हो जाएगा, एम जी. करेक्ट, अब देखो ये
पहले पार्टिकल इस पॉइंट पे था, ए पॉइंट पे, अब ये ए पॉइंट से बच्चों कहाँ गया, यहाँ पे। तो आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो कैसे निकालोगे बताओ, मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये देखो यहां से यहां आ गया, तो आपको ये वाली डिस्टेंस चाहिए। मान लो ये दिस एओ है ना, ये एओ डिस्टेंस नीचे आया, तो जो आप इस डिस्टेंस को फाइंड करोगे, और ये एंगल थीटा है, तो देखो ये कितना आएगा, आर कॉस, ये आया आर कॉस थीटा, और टोटल डिस्टेंस ये कितनी चला, टोटल डिस्टेंस ये कितनी चला, आर माइनस आर कॉस थीटा। तो ये इसका क्या आया, डिस्टेंस आया। तो देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, मैंने लिखा mg। अब देखो डिस्टेंस r कॉमन ले लिया, 1 माइनस cos थीटा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ, फोर्स कितना होगा, qe, राइट। अगर इस डिस्क के पास चार्ज कितना है, q चार्ज है, एक सेकंड मैं ऊपर नहीं लिख पा रही, हाँ डिस्क के ऊपर चार्ज मान लो q चार्ज है डिस्क पे, ये क्वेश्चन है। तो फोर्स कितना होगा, क्यू ई, डिस्टेंस कितना है, अभी हमने वो ने फाइंड किया है, आर वन माइनस कॉस थीटा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, देखो यहां से तो हम लोगों ने क्या किया है, बहुत ही स्लोली रिलीज किया है, राइट, बहुत स्लोली। तो स्लोली रिलीज किया है, तो यहाँ पे चेंज इन, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी मानी है, जीरो। बट जो ये बी पॉइंट है बच्चों, इस बी पॉइंट पे क्या होगी, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी, तो मैंने माना कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है कितना आया है, इनिशियली जीरो थी, फाइनल कितनी हो गई, हाफ एम बी स्क्वायर। तो चेंज कितना आया, हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, ये इक्वेशन आपके पास बच्चों, एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। थीटा आपके पास गिवन है कितना, देखो थीटा कितना गिवन है, साइन थीटा इक्वल टू 35 गिवन है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा बताओ, 4/5। वेरी गुड। साइन थीटा आपको देखो यहाँ पे गिवन है इक्वल्स टू 3/5, यानी 37 डिग्री का एंगल है, राइट। तो आपके पास कॉस थीटा हो जाएगा 4/5, तो आपके पास दोनों थीटा आ गए। तो आप थीटा की वैल्यू रखो यहाँ पे, एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा, यानी 1 माइनस 4/5 कितना आया, 1 माइनस 4/5 ठीक है। अब जो कौन कौन सी चीजें कॉमन निकल रही हैं, उन चीजों को एक तरफ लिख लो, r/5 कॉमन है, राइट। Yes, मेरा यहाँ से बचा एम जी प्लस क्यू ई, ये भी 1 माइनस कॉस थीटा आएगा ना, क्यू ई आर साइन थीटा। एक सेकेंड देखो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना काम करेगा, देखो यहाँ पे थोड़ी सी हमने, एक सेकेंड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखो कैसे, एक मिनट यहाँ पे, देखो अगर मैं इसका डायग्राम, देखो इतना समझ में आ गया, एक बार आप देख, अब इसका दूसरा डायग्राम बनेगा, वो दूसरे डायग्राम के लिए जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ डायपोल नेक्स्ट के सिस्टम। इसका डायग्राम यहाँ पे देखो, जब पॉइंट बी पे यहाँ आया, इस पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है, एक तो एम जी टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है, एक नॉर्मल एकदम इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा एम जी का कितना आएगा बच्चों, एम जी कॉस थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने किस डायरेक्शन में बताई है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट टॉप के इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे मेरा यहाँ पे इंक नहीं चलेगी क्योंकि वो ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ टॉप पॉइंट पे, ये अगर ए टॉप पॉइंट है तो मैं बोलूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जब आपका ऑब्जेक्ट पहुंचेगा बी पे, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो क्या होगी, यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरफ ही होगा, इस तरफ, ठीक है, यहाँ पे इसकी तरफ से जो फोर्स की वैल्यू होगी,
इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है तो ये कौन सा फोर्स लगाएगी बच्चों, क्यू ई। तो यहाँ पे हम फोर्स लिख रहे हैं तो फोर्स लिखो कितना, क्यू ई। अब यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, मैं सूडो फोर्स लगाऊंगी क्योंकि देखो ये क्या चल रहा है, पार्टिकल को यहाँ पे ले जाना चाह रहा है, ठीक है, क्यू ई। तो आप क्या करो, यहाँ पे कर दो अपोजिट में या क्यू ई, या क्या करो इसके कॉम्पोनेंट कर लो क्यू ई के, अगर वो नहीं लगाना चाह रहे हो तो, ठीक है, कॉम्पोनेंट्स करो क्यू ई के। कैसे करोगे देखो, मैंने सूडो फोर्स क्यू ई को अपोजिट करके लगा दिया। अच्छा जी, अब ये एंगल क्या कर रहा है, यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा देखो, क्यू ई के साथ साइन थीटा, क्यू ई साइन थीटा प्लस में। तो देखो अब जब ये एंगल रिजोल्व करोगे तो वर्क डन बाय क्यू ई कितना लगेगा, क्यू ई साइन थीटा। ये एंगल जब रिजोल्व करोगे, यहाँ पे ये एंगल था हमारा फोर्स के साथ थीटा एंगल, ठीक है, तो यहाँ पे इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, क्यू ई साइन थीटा, और इधर की तरफ जाएगा क्यू ई कॉस थीटा जब रिजोल्व करोगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो हमारे पास वर्क डन आएगा आर की वजह से, वो कितना आया, क्यू ई आर साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू लगाइए यहाँ पे कितनी आएगी, थोड़ा सा टफ है बट ठीक है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे आपके, और इसीलिए क्लास 12th 11th का ब्रिज कोर्स लगाया था, ठीक है, 3/5, ठीक है। तो ये आया 3QE = 1/2 mv² अभी ये इक्वेशन नहीं आई है, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई, ये हमारी वैल्यू आ गई mg + 3QE = 5/2 r mv², ठीक है। एक इक्वेशन तो ये हो गई, अब दूसरी इक्वेशन लगाओ सर्कुलर, ये तो वर्क डन काइनेटिक थ्योरम हो गया, दूसरी इक्वेशन लगेगी कौन सी, सर्कुलर मोशन वाली इक्वेशन जब नॉर्मल जीरो होगा, वो इक्वेशन मैंने तुम लोगों को क्लास में कराई है दिल्ली स्टूडेंट्स, हो सकता है हिमाचल वालों को ना कराई हो। जब आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ोगे और जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कोई भी पार्टिकल यहां से जब ये वाला पाथ ट्रेवल करता है, कॉन्वेक्स पाथ जिसे बोलते हैं, वहां से हमारे पास इक्वेशन आती है, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, अगर हिमाचल वाले बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो तुम लोग पुरानी रीडिंग्स देख लेना जहां पे मैंने वर्क पर एनर्जी कराया होगा, तो उसका ये लेक्चर नंबर 2 होगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्क, वहां पे मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये जो भी इक्वेशन लिखने जा रही हूँ ये मैंने ड्राइव कराई है। देखो क्या होगा, नॉर्मल फोर्स को बैलेंस करो, तो नॉर्मल को कैसे बैलेंस करोगे, mg cos थीटा, ठीक है, नॉर्मल को बैलेंस करना है mg cos थीटा, और नॉर्मल उधर की तरफ होगा, और क्या होगा, नॉर्मल अपोजिट है ना, अगर वेलोसिटी यहाँ इस डायरेक्शन में है, ठीक है, माइनस qe sin थीटा इक्वल्स टू, ये कौन सा होगा हमारा, बाहर की तरफ सेंट्री क्यूगल फोर्स, ठीक है, जो इन सबको बैलेंस कर रहा होगा mv² / r। नॉर्मल की वैल्यू कितनी है भाई, जीरो, क्योंकि इस पॉइंट पे ये दोनों कॉन्टेक्ट छोड़ देंगे। तो यहां से एक इक्वेशन बनी mg cos थीटा माइनस qe sin थीटा इक्वल्स टू mv² / r। अब ये वाली वैल्यूज भी है तुम्हारे पास, cos थीटा mg by 4/5। सेकंड लाइन में mv² / r कहां से आया, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना जो इन सबको बैलेंस करेगा बाहर की, यही नॉर्मल की तरफ ही, नॉर्मल के इधर की तरफ, ठीक है, यहाँ पे ये जितने भी जो इस वाली डायरेक्शन की जो फोर्सेस हैं, इन सबको हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में रखने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रखा है। देखो तभी तो ये पार्टिकल छोड़ के जाएगा, जो ये पार्टिकल है जब ये सेंटर में मूव कर रहा है तो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं। अगर ये डिटेल्ड में देखना चाहते हो ये इक्वेशन क्या आई है, मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ाया है उसके लास्ट में मैंने ये वाला टॉपिक कराया है, वो एक बार देख लेना, तो ये इक्वेशन डिराइव कराई हुई है वहां से, तुम्हें पक्का समझ आएगा। बाकी ये इक्वेशन देख लो, मैंने अभी भी यहाँ पे क्या करें, फोर्स बैलेंस कर दी है, ठीक है, mv² इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज बैलेंसिंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, नॉर्मल वाली डायरेक्शन।
तो यहाँ से माइनस क्यू ई साइन थीटा हमारे पास 3/5 है और ये हो गया एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये इक्वेशन सेकंड, और आपके पास पहली इक्वेशन भी है तो वहां से जो जो चीजें कट हो जाएंगी उन्हें कैंसिल कर देना। दोनों इक्वेशंस तुम्हारे पास आ गई हैं, मेन था इक्वेशंस को सेट करना, ठीक है। तो पहला तो इजी है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए। दूसरे में हम लोगों ने क्या लगाया है, सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लगाई है। दोनों इक्वेशंस को क्या कर दोगे, बाद में इक्वेट कर दोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। एम वी स्क्वायर बाय आर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं एक बार डाइपोल। देखो अगर इस क्वेश्चन में इसलिए दिक्कत है कि वो इक्वेशन कहाँ से आई है, तो वो इक्वेशन के लिए भाई आपको मेरे पुराने लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, डोंट वरी। अब बात करते हैं डाइपोल की। डाइपोल क्या होगा, देखो डाइपोल क्या होगा बच्चों, डाइपोल क्या होता है फिजिक्स की टर्म में, कि जिसके क्या हो, दो पोल्स हो, राइट। किसी भी चीज के दो पोल्स होना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक दो चार्जेस लेंगे जो कि इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड के होंगे। देखो जैसे यहाँ पे क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, तो दो दो हमारे पास पोल्स हो गए, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। हमेशा डाइपोल बनाते वक्त ये ध्यान रखना है, चार्जेस होने चाहिए आपके पास इक्वल एंड इक्वल और अपोजिट चार्जेस, और वो उनके बीच में, हाँ बोलो। इसमें क्या होता है, अपोजिट होने चाहिए। हाँ जी मैम, अपोजिट 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 कह रहा था। हाँ हाँ वही, तो मैग्नीट्यूड बराबर बट साइन अपोजिट होने चाहिए मैग्नीट्यूड। डाइपोल जब भी बनाओगे तो मतलब क्या है, देखो डाई का मतलब दो, पोल्स का मतलब एंड्स, यानी दो हमारे पास पोल्स होंगे तो हम उनको किससे बनाएंगे, यहाँ पे चार्जेस से बनाएंगे, और कैसे होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है, तब आपका डाइपोल बनेगा। दूसरा क्या है, इन चार्जेस को क्या करोगे, बहुत क्लोज्ड डिस्टेंस पे प्लेस करोगे, बहुत ही ज्यादा क्लोज डिस्टेंस पे होंगे, वेरी मिनिमल डिस्टेंस में। मान लेती हूँ कि यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे है बच्चों, इनको मान लो 2a डिस्टेंस पे है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द डाइपोल, जब दो चार्जेस इस तरीके से हो। मैम इसका थर्ड पॉइंट हो सकता है क्या, कि ये दोनों पॉइंट चार्जेस होंगे या बॉडी भी हो सकता है, क्या होंगी ये दोनों जो चार्जेस हैं ये पॉइंट चार्जेस होंगे। हाँ पॉइंट चार्जेस ही होंगे, करेक्ट, ठीक है। और बॉडी नहीं हो सकता ना मैम, जैसे बॉडी दो बॉडीज को हमने जॉइंट कर दिया एक डिस्टेंस से, तो वो डाइपोल नहीं बनाएगा। नहीं वो डाइपोल नहीं बनाएगा। अगर आपने जैसे स्फेरिकल बॉडीज दो लार्ज बॉडीज ले ली और अब चाह रहे हो कि वो डाइपोल बनाए, वो डाइपोल नहीं बनाएगा, ठीक है। डाइपोल क्या है, बहुत स्मॉल चार्जेस होंगे और क्या होंगे, बहुत क्लोज डिस्टेंस पे रखेंगे, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइपोल बोलेंगे, ठीक है। yes, ma'am. तो दो पॉइंट्स हो गए, तो मैंने माना इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, बहुत ही स्मॉल, ठीक है, और फाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे जैसा हमने बता दिया। अब दूसरी यहाँ पे बात आती है कि इनकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, क्योंकि डाइपोल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन की बात करें, डाइपोल की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी, माइनस क्यू टू पॉजिटिव पॉजिटिव क्यू, इसकी डायरेक्शन होगी ये, ठीक है। डाइपोल की डायरेक्शन की अगर बात हो तो क्या होगी, माइनस क्यू से लेके पॉजिटिव क्यू, इस डायरेक्शन में हम डाइपोल को लेते हैं, इसलिए डाइपोल की तीसरी कैसी क्वांटिटी है, डाइपोल इज द वेक्टर क्वांटिटी। इस तरह पॉइंट आया आपके पास ये, ठीक है। अब बात आएगी कि डाइपोल मूवमेंट कैसे निकालोगे, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट एक टर्म होता है यहाँ पे, कि डाइपोल मूवमेंट निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, इसका जो चार्ज है उसको उसके डिस्टेंस से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाती है, उसकी डाइपोल मूवमेंट आ जाती है, ठीक है। बस यहाँ पे तुम्हारे लिए समझने का इतना ही है, जैसे Q और माइनस क्यू, तो यहाँ पे चार्ज लो, कितना चार्ज है Q, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2a, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। ये क्या है, डाइपोल मूवमेंट है, डायरेक्शन भी पता चल गई, SI यूनिट कितनी हो जाएगी,
एसआई यूनिट की बात करूं, देखो यहाँ पे क्यू इज कुलाम, दिस इज द लेंथ, टू ए इज लेंथ, तो कुलाम पर मीटर, तो एसआई यूनिट कितनी हो गई, कुलाम पर मीटर। हाँ कृष बोलो, कूलम मीटर होगा मैम, पर नहीं आएगा, सॉरी इनटू है ना, हाँ ठीक है, कुलाम मीटर, ठीक है, क्या यूनिट हो गई, कुलाम मीटर। ये हो गया डायपोल मोमेंट, डायरेक्शन हो गई माइनस क्यू से प्लस क्यू होनी चाहिए। देखो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वेक्टर्स में आएंगे, जब किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में डायपोल निकालोगे तब वहां पे डायरेक्शन बहुत जरूरी है, तभी तो आप वेक्टर बना पाओगे। तो इसलिए डायरेक्शन याद रखना कि माइनस क्यू से प्लस क्यू लेनी, बस यहाँ पे आपको ये तीन चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डायपोल का ये, ठीक है, डायपोल हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बनाएंगे, ये ध्यान रखना, तीन चार्जेस हैं जो इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखी हुए हैं। मैम इससे पहले मेरा एक छोटा सा डाउट था, बोलो मैम, ये जो डायपोल मोमेंट होता है ये तो मैं पता चल गया 2aq होता है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअली क्या बताता है, मतलब हमें दो चार्जेस के बारे में? देखो ये डायपोल, हाँ मैं बताती हूँ, देखो डायपोल, जो डायपोल का जो मेन जो कॉन्सेप्ट आएगा, जब आप डाइइलेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइइलेक्ट्रिक्स पढ़ोगे, उसमें क्या होगा कि डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाती है, कि एक चार्ज एक तरफ हो जाते हैं और एक चार्ज एक तरफ हो जाते हैं, तो वहां पे डायपोल का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब पोलराइजेशन में। कि जब आप किसी में भी चार्जेस को डाइलेक्ट्रिक में जब चार्ज इंट्रोड्यूस होते हैं, वो क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पे डायपोल मूवमेंट, उनमें डायपोल मूवमेंट प्रोड्यूस हो सकती है, तो इस वजह से होता है। तो ये डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे तुम ये समझ लो बस कि डायपोल होता क्या है, बस एक माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज को बराबर में रख दो, वही डायपोल है, ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है। और मैम ये जो क्यू इंटू टू है, इसमें क्यू हमें पॉजिटिव वाला लेना है, मतलब माइनस क्यू इंटू टू ले सकते हैं, क्या है इसमें, कैसे, जैसे जो फॉर्मूला है डायपोल मोमेंट का, Q into 2 है, तो इसमें ये मैग्नीट्यूड है, देखो डायपोल मोमेंट क्या है, ये मैग्नीट्यूड दिखा रहा है मोमेंट, तो आपने आपको पॉजिटिव चार्ज लेना है Q into 2 है, वो तो डायरेक्शंस की बात है ये, लेकिन चार्ज लेना है पॉजिटिव वाला ही, ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव वाला ही चार्ज लोगे जब मोमेंट निकालोगे, नो नेगेटिव साइन। चलो अब देखो क्या है यहाँ पे, आपके पास दो चार्जेस हैं, तीन, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस टू क्यू चार्ज है, तो ये पूरा एक सिस्टम है। चलो लेंथ भी ले लेते हैं, लेंथ भी सेम होनी चाहिए कि इक्विलेटर ट्रायंगल है। अब आपने बतानी है कि इस पूरे सिस्टम का डायपोल मोमेंट क्या होगा, ठीक है, चलिए बताइए, कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। जो डायपोल की बेसिक डेफिनेशन याद रखना कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होने चाहिए, आपको डायपोल बनाना है खुद से। टेक योर टाइम, 6q होगा क्या? हाँ 6q होगा क्या? कितना? 6q कूलम मीटर। अच्छा और कौन, और कितने बच्चे हैंड रेज करो जिनका आंसर आया है डायपोल मूवमेंट में, अमित का कितना है बताओ, अमित मैम 6q। अच्छा अमित के अलावा बताओ, आयुष बताओ, आयुष भी बता सकता है, आयुष बताओ, अभी नहीं आया। हाँ अभी नहीं आया मैम, नहीं आया अभी, ठीक है, तो हमें अनिरुद्ध बताएगा, अनिरुद्ध तुम बताओ भाई, हिमाचल के बच्चे तो बहुत होशियार हैं। मैम यहाँ पे इक्वल और अपोजिट चार्ज मिल ही नहीं रहे। हाँ तो बनाओ ना इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अच्छा अनुराग और अनिरुद्ध दोनों में से जो बताएगा ना, देखो वो आज 1 करोड़ जीत के जाएगा, बताओ भाई अनुराग बताएगा कि अनिरुद्ध बताएगा। देखो ये तो बहुत बहुत हलवा सवाल है, अगर इतने आसान सवालों में लॉजिक नहीं लगा पाए तो फिर कैसे चलेगा। लावण्या, यस लावण्या बताओ। लावण्या कह रही है कि 0 होगा। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो, मैंने हमेशा बोला है तुम्हें जब से मैं तुम्हें पढ़ाती आई हूँ कि सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूला है वो लिखो। बेसिक फॉर्मूला क्या था, क्यू इंटू 2l, और डाइपोल के पास ये तब बनेगा जब आपके पास डाइपोल होंगे, राइट, सबसे पहले बेसिक ही डाइपोल बनाओ,
तो देखो मैं इन चार्जेस को बच्चों कैसे लिख दूं, ये माइनस टू क्यू चार्ज है, माइनस टू क्यू, इसको मैं क्या करती हूँ माइनस क्यू बना देती हूँ, यहाँ पे एक माइनस क्यू बना देती हूँ, ठीक है। अब देखो ये मतलब बहुत क्लोजली रखे हैं मैंने, माइनस क्यू चार्ज कर दिए, ये प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, ये डिस्टेंस एल। अब देखो ये एक डायपोल हो गया बच्चों और एक डायपोल ये हो गया माइनस क्यू और प्लस क्यू वाला, तो आपके पास दो डायपोल हो गए। चलो अब बताओ अब कैसे करेंगे, दो डायपोल बन गए। अब डायरेक्शन देखो, माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये इसको बोलो डायपोल को किससे डिनोट करते हैं, मैंने ये बताया ही नहीं, डायपोल को डिनोट करते हैं पी से, ठीक है, डायपोल मूवमेंट को डिनोट करते हैं पी से। अब देखो इसको मान लो पी वन और ये वाला डायपोल मूवमेंट मान लो कितना बच्चों पी टू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनके बीच के एंगल्स, हाँ अब इनके बीच का एंगल देखो, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको, ये लेंथ यहाँ पे, ये लेंथ कितनी हो गई एल बाय टू और ये लेंथ कितनी हो गई एल, तो ये वाली एल डिस्टेंस वाली लेंथ निकालो कितनी आएगी, पहले तो लेंथ चाहिए ना दो डायपोल के बीच की, कितनी आ गई एल ही रहेगी। तो देखो अब कैसे करोगे, जब नेट निकालोगे पूरे सिस्टम का तो कैसे करोगे, देखो जब पूरा डायपोल मूवमेंट निकालोगे तो आपके पास देखो P1 कितना आया, पहले P1 की वैल्यू लिखो, Q डिस्टेंस कितना है ये L, P2 का देखो P2 कैसा है, चार्ज कितना है Q, डिस्टेंस कितना है L, 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 L हो गया। अब हमें सिस्टम का निकालना है यानी वेक्टर्स लगाने पड़ेंगे, क्या होता है P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P1 P2 cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू बताओ, यानी P1 और P2 के बीच में जो ये एंगल है इसके कितनी डिग्री का है, देखो 60 का ये होता है, ये भी 60, दिस विल आल्सो इक्वल्स टू 60, ठीक है। तो बस yes, अब यहाँ पे क्या रख दो Q स्क्वायर L स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर L स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी ये Q स्क्वायर L स्क्वायर बन जाएगा। cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, cos 60 डिग्री किसके बराबर होता है अंडर रूट 3 अपॉन 2 P1 P2 3 अपॉन 2 मैम 1 बाय 2 cos 60 डिग्री इज अंडर रूट, नहीं cos 60 इज 1 बाय 2 मैम वो sin 60 cos 60 इज 1 बाय 2 बाय 2 ठीक है। तो अब कितना आंसर आ गया, तो 1 ये इसका 1 बाय 2 से ये 1 बाय 2 कैंसिल, तो ये आ गया रूट 3 Q स्क्वायर L स्क्वायर QL, हाँ तो ये बस रूट थ्री को बाहर ले लो, रूट थ्री को उसमें रहने दो और QL को बाहर ले लो, तो दिस इज द डायपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम। यस मैम। तो इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन आएंगे डायपोल के तो सबसे पहले क्या बनाओगे, डायपोल बनाओगे इस तरीके से, तो ये करना है, ठीक है। मैं डायपोल मूवमेंट से ज्यादा ना एक डाउट आ रहा है, बोलो मैम, जैसे फॉर्मूला जो था वो था 2aq, राइट, कैसे कैसे जो फॉर्मूला था वो 2aq था ना डायपोल मोमेंट का, ये 2l, नहीं नहीं जैसे जो फॉर्मूला था वो 2lq, हाँ यही वाला फॉर्मूला था डायपोल मोमेंट का। अच्छा ये तो, देखो मैंने, अच्छा देखो मैंने यहाँ पे ये डिस्टेंस ही 2a ली है, ये मैंने इनके बीच की डिस्टेंस 2a मैंने तो ली है ना, तो आपको तो एक्चुअल डिस्टेंस देखनी है, ये कंफ्यूजन मत करो। देखो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस खुद मानी है 2a, तुम ए मान लो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जो बेसिक फॉर्मूला है वो तो यही है ना, टू और ए या एल जो भी कह दो और क्यू, टू एल क्यू, राइट, हाँ तो मैम वो क्वेश्चन दिखा दीजिए एक बार। हाँ तो इसमें जैसे तीन चार्जेस थे, तो मैंने इसमें प्लस क्यू और इसमें भी प्लस क्यू है, तो आपने कहा था प्लस क्यू वाले चार्ज को रिगार्ड करना है, तो प्लस क्यू वाले चार्ज को ले लिया और लेंथ इसमें वन दी हुई है, वन है ना मैम, लेंथ तो एल है ना, एल है लेंथ, एल है, हाँ। मैंने वन मान लिया था, चलो कोई लिखा तो है एल, अगर तुमने वन भी मान लिया होगा तो तुम्हारा आंसर फिर भी रूट थ्री क्यों आया होगा ना। नहीं मैम मेरा पता नहीं क्यों सिक्स क्यों आ रहा है, क्या किया तुमने बताओ। मैंने क्यू लिया और यहाँ पे क्यू प्लस प्लस है, तो उसमें से पहले टू मान लिया और लेंथ वन मान ली और क्यू एक ले लिया, तो मेरा बना
तो फिर तो गलत है ना, कॉन्सेप्ट गलत है ना, कॉन्सेप्ट गलत है। देखो इसी तरीके से बनेगा, आपने इन दोनों का इसका निकाल लिया माइनस क्यू और प्लस क्यू एक बन गया, ये डाइपोल पी वन, इस माइनस और प्लस क्यू का निकाल लिया दो, ये तो दो इंडिविजुअल है, मुझे सिस्टम का निकालना है। तो इस सिस्टम के लिए तुम पी वन और पी टू का क्या लोगे, वेक्टरली एडिट करोगे, तो वेक्टर एडिट कैसे करते हैं, इनेट इस तरीके से। तो ये लास्ट का ये स्टेप तुम्हारा रह गया, ठीक है, सिस्टम का। अगर वो इंडिविजुअली पूछता तो तुम्हारा आंसर ठीक था, बट आपको सिस्टम का बताना है तो पूरा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, चलो थैंक यू। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको मैं अभी भी कहूंगी ये वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया है ना, इसके लिए मेरी जो लेक्चर है वर्क फॉर एनर्जी में, मेरा लास्ट लेक्चर उसका देख लेना, वहां पे लास्ट में मैंने ये पूरा समझाया हुआ है कि ये वाले कैसे आता है, ये इक्वेशन कैसे आई है, ठीक है, तो वो जरूर देखना एक बार। चलो अब देखो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हें पॉइंट चार्जेस की वजह से निकालनी सिखा रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन द एक्सियल पॉइंट, ये तो लिखना ही भूल गए कि एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल की वजह से फील्ड किसी भी पॉइंट पे कैसे होगी, यानी भाई डाइपोल कैसे बनेगा, मान लो दिस इज माइनस क्यू पॉइंट, दिस इज प्लस क्यू पॉइंट, एक्सियल लाइन पे मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया पी, ठीक है। अब आपको इस पॉइंट पी पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस डाइपोल की वजह से। तो देखो है तो डाइपोल, बट तुम इसको क्या कंसीडर करोगे मुझे बताओ, पॉइंट चार्जेस है ना, पॉइंट चार्जेस के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी सीखी है ना, बताओ पॉइंट पी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी सीखी है कि नहीं। यस मैम। यस। तो देखो एक बात बताओ, माइनस क्यू की वजह से पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी मैम, इनवर्स। बताओ पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी माइनस क्यू की वजह से क्या किस डायरेक्शन में होगी मैम, इनवर्स, टुवर्ड्स डाइपोल, अवे फ्रॉम द डाइपोल, टुवर्ड्स डाइपोल, टुवर्ड्स डाइपोल, क्योंकि माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, हमेशा इनसाइड चार्ज के इनसाइड। तो ये देखो इधर होगी, मैंने इसको नाम दे दिया कितना, ई ए। पॉजिटिव चार्ज की वजह से कहाँ होगी, आउटवर्ड्स, आउटवर्ड, नाम दे दो ई बी, क्योंकि ये बी की वजह से है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ बड़ी कौन सी होगी, ई ए या ई बी, विच इज लार्जर। देखो ई बी इज ग्रेटर होगी ई ए, क्योंकि प्लस क्यू वाला चार्ज है जो पॉइंट पी के क्लोजर है, पास में है, वेरी गुड। तो बस अब क्या करना है, पॉइंट चार्जेस से निकालने हैं, डिस्टेंस निकाल लो, मान लो यहाँ से ये पॉइंट है, यहाँ से मैं डिस्टेंस मान लेती हूँ, ये दोनों डायपोल के बीच का सेंटर है, डायपोल के सेंटर से पॉइंट पी के लिए बच्चों डिस्टेंस मान लो कितनी आर, ठीक है। और ये मान लो कि डायपोल की जो हमारी लेंथ है कितनी है, टू ए है, यानी यहां से यहां तक ए और यहां से यहां तक ए, इस तरीके से। बस अब आप तो मुझे पता है आर तो निकाल ही लोगे डिस्टेंस, जैसे ई ए के लिए निकालो, ई ए के लिए कितनी बनेगी, देखो के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर बताओ कितनी होगी, राइट। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो आर है, बट मुझे चाहिए यहाँ से, तो ये वाला ए मैं इसमें क्या कर दूंगी, एड आर प्लस ए का होल स्क्वायर। देखो ये मैंने इसलिए जो वहां पे टू ए लिया था ना, वो इसलिए लिया था कि मुझे कैलकुलेशंस में इजी हो जाए, अगर मैं इनके बीच का डिस्टेंस ए ले लेती तो मुझे ए बाय टू करना पड़ता, जो मेरी कैलकुलेशंस में टफ हो जाता, तो मैंने क्या मान लिया। हाँ जी बोलो, ठीक है। अब ईवी के लिए ऐसे क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस ए, वेरी गुड, आ गया तुम सबको, तो तुम तो होशियार बच्चे हो। बस अब क्या कर दो, ई बी माइनस ई ए करो और मुझे आंसर बताओ कितना आएगा। चलो तुम ही बताओगे, मैं नहीं कर रही, आंसर बता दो। लास्ट में जाके जो आपके पास ये टर्म आए टू क्यू ए, इसको डायपोल में डायपोल लिख देना, डायपोल किसके बराबर होगा, पी के।
यही है ना, ए बी का डायपोल मोमेंट कितना है, डायपोल मोमेंट चार्ज क्यू डिस्टेंस इन दोनों के बीच का 2a, तो दिस इज द डायपोल मोमेंट। तो चलो सॉल्व करो, ई बी माइनस ई ए, के क्यू कॉमन बाहर ले लिया, 1 बाय आर माइनस होल स्केयर माइनस 1 बाय आर प्लस ए स्केयर, के क्यू इंटू 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। देखो भाई अब इसको जब सॉल्व करेंगे, मैं पूरा नहीं सॉल्व करा रही हूँ ये कैलकुलेशन, मैं इतनी एक्सपेक्टेशन तुमसे रखती हूँ कि तुम लोग अब स्टेज पे आ गए हो कि खुद से कर पाओ। इसका जो कैलकुलेशन है जब आप ये सॉल्व कर लोगे तो देखो क्या बनेगा, मैं बताती हूँ। के क्यू ठीक है, यहाँ पे आपके पास आएगा 4ar by r square minus a square की पावर स्केयर, यही आ रहा है? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। अब देखो मैंने क्या बोला है, क्यू, हाँ मैंने क्या बोला है, क्यू टू ए को क्या मान लो, पी पी, तो तो के एज इट इज ठीक है, आर एज इट इज, आर भी है ना ऊपर, आर एज इट इज, अब एक टू बच जाएगा और एक आपके पास आ गया पी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का हो स्क्वायर, ठीक है, ई बी माइनस ई ए, यानी इसको ई नेट भी बोल सकते हैं, ये आ गया। अच्छा अब मान लो मैं बोलती हूँ कि जो डायपोल की जो डिस्टेंस है वो वेरी लेस देन है, यानी यहाँ पे आओ, एक शीट ऐड करनी पड़ेगी, एक ही बारे में कभी कुछ नहीं आता। चलो अब आगे खुद करो, अगर आर स्क्वायर की वैल्यू मैं क्या कर देती हूँ, आर स्क्वायर जो है वो बहुत छोटा है, मतलब जो ए की वैल्यू है वो बहुत छोटी है, E is equal to 2kp upon r cube. R cube. हाँ, देखो इलेक्ट्रिक क्या आई है भाई, ई नेट की वैल्यू देखते हैं, ये डायपोल की वजह से है तो इसको अपने कॉपी में ध्यान रखना। और देखो जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे उनका क्लास लेने का कोई फायदा ही नहीं है, नोट्स नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट है, बिना नोट्स के कुछ नहीं होना। तो क्या आया है भाई, 2kRp आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। अब मैंने बोला है कि हमारी पास जो आर है वो बहुत ग्रेटर है ए से, तो यू कैन इजिली नेगलेक्ट द ए, तो ई नेट कितना आया है एक्सियल की वजह से, 2kRp बाय आर की पावर 4। एक आर से एक आर कैंसिल, तो यानी 2kR³p, तो कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ लिख लो, यानी 2kP बाय आर क्यूब, ठीक है। तो ये आई है आपकी ई नेट की वैल्यू। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एक्सियल पॉइंट के लिए डाइपोल की वजह से, क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक्सियल डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से वेरी करती है आर पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर 4। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, पीवाई क्यूज में भी उठा के देख लेना। तो याद रखो किस तरीके से वेरी कर रही है, आर क्यूब पे, ठीक है, ये याद रखो। ये वाला रिजल्ट इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा, केस वन, ठीक है, 2kP/r, और तो इसमें कुछ है नहीं खास। अब दूसरा है, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू डाइपोल एट द इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी माइनस क्यू प्लस क्यू। अब पॉइंट इक्वेटोरियल का मतलब क्या है, यहां से बराबर दूरी दोनों पॉइंट्स के बीच में, यानी यहाँ पे आपको क्या निकालनी है, फील्ड निकालनी है। ये मैं कितनी बार करा चुकी हूँ, बहुत बार। मुझे अब बता दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है ई नेट पी पॉइंट पे, बताओ, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ, मान लो लेंथ इनके बीच में, यहाँ से ये भी लेंथ एल पे है, ये भी लेंथ एल पे है, ठीक है। अगर ये 2l है तो फिर ये वाली भी मुझे 2l लेनी पड़ेगी, तो 2l मतलब ये काम करो, ये डिस्टेंस हो गया कितना, यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस मान लो r, ये लेंथ l, ये लेंथ l,
ये हो गई आपके पास हाइपोटेन्यूज से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। माइनस क्यू की वजह से फील्ड कहाँ होगी, यहाँ पे। प्लस क्यू की वजह से फील्ड कहाँ होगी, आउटसाइड। इनके बीच में एक एंगल बनेगा, है ना। कॉम्पोनेंट्स करोगे तो कौन सा कॉम्पोनेंट रहता है, बहुत बार बता चुकी हूँ, बताओ कौन सा कॉम्पोनेंट रहता है। कौन सा कॉम्पोनेंट रहेगा, ई कॉस थीटा। हाँ अनिरुद्ध बोलो, बोलो बोलो। हाँ तो क्या होगा, देखो इसकी वजह से भी ई कॉस थीटा और इस वाले चार्ज की वजह से भी ई कॉस थीटा, तो कितना हो गया आपके पास, टू ई कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे टू क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, क्योंकि ये डाइपोल है, तो दोनों के हमारे पास एड हो गए, इधर आए हैं दोनों के ई कॉस थीटा, ठीक है। तो ई की वैल्यू क्या हो गई, एक की वजह से भी यहाँ पे ई कॉस थीटा, दूसरी की वजह से भी, तो हो गया टू ई कॉस थीटा। टू एज इट इज, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पार स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा बनाओ, मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाएगी, कॉस थीटा बताओ। a upon under root r square plus l square, cos theta is base by hypotenuse, तो base क्या है, देखो l, ठीक है, base क्या है हमारे पास l, और hypotenuse क्या है ये, तो इसकी वैल्यू रख दो यहां पे root r square plus l square l, क्योंकि यही तो एंगल लेते हैं हम लोग हर बार, hypotenuse हो गया r square plus l square, तो यहां पे वैल्यू रख दो, कितना आया, 2 kq L R square plus L square की पार 3 by 2, ये हम निकाल रहे हैं E perpendicular equatorial point। अब क्या बना भाई, अब हम क्या करते हैं, लिखो 2 QL क्या बन गया, P, तो बचा KP by R square plus L square की पार 3 by 2, ठीक है। Similarly अब यहाँ पे ये केस करो, आर स्क्वायर, आर क्या है, ग्रेटर 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 देन है एल के, ठीक है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल ये बहुत छोटा हो गया है एज कम्पेयर टू दिस, तो यहाँ से ई परपेंडिकुलर कितना आया, के पी अपी बाई आर क्यूब, ठीक है। तो दोनों डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट पे भी और परपेंडिकुलर पॉइंट पे भी किस पे डिपेंड करेगा, आर क्यूब पे। देखो मैंने इसको पूरा इसलिए डिराइव नहीं कराया है क्योंकि मैं ये चीजें बहुत बार करा चुकी हूँ, मुझे सिलेबस भी कराना है, तो KP by R cube। अब देखो कई बार क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू परपेंडिकुलर यानी इक्वेटोरियल, इनके बीच में रिलेशन आएगा, तो बताओ ई परपेंडिकुलर ई एक्सियल इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई परपेंडिकुलर, राइट। देखो ये वाला, इसके बाद देखो जब R वाला ये वाला पॉइंट लगाया है, उसके बाद देखो E कितनी आई है, 2 KP by R cube, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ KP by R cube, तो यहाँ से जब E axial के लिए निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 times, और ये KP by R cube किसके बराबर है, E equipotential equatorial के लिए। तो देखो ये वाला रिलेशन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये वाला एग्जाम रिलेशन भी याद रखो, ठीक है। आसान आसान है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, तो बट याद रखनी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल एट जनरल पॉइंट, अभी तो देखो हम लोगों ने कहां कहां पे पॉइंट्स रखे थे, या तो एकदम परपेंडिकुलर था या एकदम पैरेलल था। अगर थोड़ा डाउनवर्ड बनाते हैं, फुल डायग्राम समझाना अच्छे से जरूरी है। देखो कैसे, अब आप लोगों ने डायपोल ले लिया, यहाँ पे ये डायपोल है, कुछ भी मान लो माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज। अब ना तो एक्सियल ले रही हूं ना परपेंडिकुलर, यहाँ कहीं पे पॉइंट लिया है पी पॉइंट,
ठीक है। अब इस पी पॉइंट पे बच्चों कैसे निकालोगे, ये क्वेश्चन है किसी भी जनरल पॉइंट के लिए, ये यहाँ पे कैसे निकालेंगे। तो देखो ये कितना, ये माइनस क्यू से प्लस क्यू, यहाँ पे हमारा ये डाइपोल पी है, मान लो यहां से यहां तक मैंने इस डायपोल को क्या कर दिया, कनेक्ट किया कि क्या एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। ये कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा। अब देखो जो मेरा बच्चों ये डायपोल पी है, क्या मैं इस डायपोल पी के भी कंपोनेंट्स लिख सकती हूँ, ये डायपोल पी है ना, ये तो स्ट्रेट है। अगर इस डायपोल पी के अगर मैं कंपोनेंट्स लिखना चाहूँ कॉस थीटा और साइन थीटा, तो कैसे लिखूंगी बताओ। इस डायपोल पी के अगर मुझे कंपोनेंट्स लिखने हैं तो कैसे लिखूंगी, देखो कलर चेंज करते हैं। मान लो ये वाला एक हमारे पास एक डाइपोल का एक एंगल है, दिस इज P2, ठीक है, ये थीटा है, तो ये वाला हमारे पास हो गया P1। तो अब देखो अब ये हमारे P का क्या हो गया, मैंने कॉम्पोनेंट्स कर दिए, तो ये हो गया P1 और ये हो गया मेरे पास P2। तो P1 वाला कौन सा एंगल हो गया भाई, P1 हमारा हो गया cos कॉम्पोनेंट, यानी P का cos कॉम्पोनेंट। दूसरा वाला हो गया P का साइन कॉम्पोनेंट। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, कॉम्पोनेंट्स कर दिए, और निकालनी कहाँ पे है, P पे। इससे क्या बेनिफिट हुआ, तुमने देखो अब ये जो P1 है, P1 वाला डाइपोल है, उस पर जो ये पॉइंट P है ये कैसा है, एक्सियल और इक्विटोरियल। देखो P1 के लिए ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये P1 जो डाइपोल है उसके लिए ये पॉइंट P उसके लिए कैसा बिहेव करेगा, कि एक्सियल, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट द एक्सियल पॉइंट, राइट और रॉन्ग। यस सिमिलरली, सिमिलरली जो जो P2 वाला हमारा डाइपोल है जिसकी वैल्यू क्या है, P साइन थीटा, जो P2 डाइपोल है उसके लिए P पॉइंट एक्ट करेगा, कि आप डाइपोल निकाल रहे हो P पॉइंट पे एट द कैसा पॉइंट है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी यहाँ पे हो गया परपेंडिकुलरली। तो आपके पास P1 की वैल्यू भी है, P2 की वैल्यू भी है। अब देखो P1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, मैंने लिख दिया E1, P2 की वजह से एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी परपेंडिकुलर, ये हो गया बच्चों मेरा क्या E2। मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे तो नेट चाहिए, हम तो नेट निकालेंगे P पे, तो मुझे जो नेट मिलेगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेगा, तो इसे क्या बोलेंगे, E नेट, जो आपको फाइंड करना है, ये E नेट ही तो फाइंड करना है। अब E1 की वैल्यू बताओ, E1 किसकी वजह से है, P1 की वजह से, तो E1 बताओ, चलो E1 बताओ, 2PQ upon RQ। देखो बहुत आसान है, मैंने क्या किया, ध्यान से देखो मैंने क्या किया, जो डाइपोल था मैंने उसके दो कंपोनेंट्स कर लिए, एक हो गया P1 एक हो गया P2। P1 वाला जो कंपोनेंट निकला वो इस तरीके से हो गया कि वो P पॉइंट पे जहां पे मुझे डाइपोल निकालना है, फील्ड निकालना है, वो उसके एक्सियल लाइन पे आ गया, तो उसकी वजह से हमने E1 मान ली। सेकंड कंपोनेंट P2 की वजह से वो आ गया कहाँ पे, उसके परपेंडिकुलर, तो वो हो गया E2। तो E1 और E2 दोनों मुझे पता है, एक्सियल के लिए अभी हम लोगों ने फील्ड निकाली है, कितनी निकाली है, 2kp upon rq, 2kp r by r square plus a square की पार 4, यही निकाली है ना, आर स्केयर माइनस ए स्केयर की पावर 2 है। आर स्केयर माइनस ए स्केयर की पावर 2। सिमिलरली ई टू हम लोगों ने भी फाइंड किया है, कितना, के पी बाय आर स्केयर माइनस ए स्केयर की पावर कितना है भाई, 3/2, यही फाइंड किया है। यहाँ पे देखो यही है एकदम, के पी आर स्केयर माइनस, अच्छा यहाँ पे प्लस है इक्वेटोरियल, ठीक है यहाँ पे प्लस है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो दो वैल्यू आ गई। अब देखो पी वन, ई वन की वजह से कौन सा था, पी वन, और ई टू की वजह से पी टू, तो वैल्यूज रखो पी वन और पी टू की यहाँ से, तो टू के, पी वन की वैल्यू कितनी है, पी कॉस थीटा
बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर आर, और यहां से ये कितना आया 2kp साइन थीटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये वाला एंगल यहां से फाइव बना रहा है। ठीक है, ये एंगल परपेंड ये हॉरिजॉन्टल से फाइव बना रहा है। अब आपको ई नेट निकालना है। हाउ कैन यू कैलकुलेट ई नेट, ई नेट कैसे निकालोगे? दोनों को क्या कर दो, ई वन और ई टू के बीच में एंगल कितना है बताओ? व्हाट इज द एंगल बिटवीन ई वन एंड ई टू? ये डायग्राम देखो, यहाँ पे ई वन और ई टू के बीच में एंगल कितना है? 90 है ना भाई, एक पैरेलल है, एक क्या है परपेंडिकुलर, तो एंगल कितना बना इनके बीच में 90 डिग्री। तो ई नेट कैसे निकालोगे? ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस 2e1e2 cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री से ये पूरी टर्म क्या हो जाने वाली है? जीरो। तो ई नेट कितना आया आपके पास? अंडर रूट ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर, यही आया। ठीक है, अच्छा अब सुनो, अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में लिखना चाहूं कि ए स्क्वायर वाली टर्म हटा देते हैं, तो यहां से कितना आया था 2kp बाय आर क्यूब, पी कितना था कॉस थीटा, यहां से कितना था 2 नहीं था kp बाय आर क्यूब, और यहां था हमारे पास साइन थीटा। ठीक है, मैंने वही किया है कि आर क्या कर लिया, लेट आर इज ग्रेटर ग्रेटर देन जॉइंट डायपोल्स का वैल्यू है ए और ए। ठीक है, तो आपके पास ई वन भी है ई टू भी है। लखो ई वन की वैल्यू कितनी है भाई, एक्सियल की वजह से 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब का स्क्वायर प्लस kp sin थीटा बाय आर क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, यही आया। यहां तक किसी को कोई परेशानी? वही चीजें करी है पुरानी वाली सारी, यहाँ पे ये ए स्क्वायर वाली वैल्यू हटा दी, तो सिर्फ 2k वाला रिलेशन रखा है, 2kp बाय आर क्यूब वाला, और p की वैल्यू cos थीटा थी तो p cos थीटा रख दिया। ठीक है, समझाने के लिए करा था पूरा। अब जो जो चीजें कॉमन है उन्हें ले लीजिए बाहर, पहले एक बार उसको ओपन कर लो। कितना आएगा यहाँ पे 4k स्क्वायर p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे r 6 प्लस के स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय आर सिक्स। तो भाई कौन कौन सी चीजें बाहर आ जाएंगी, केपी बाहर आ गया और आर की क्यूब बाहर आ गई, राइट? बाहर आ गया ना, और क्या क्या बचा यहाँ पे, क्या क्या बचा देखो, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा, ये बचा। अब देखो ये आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी हमारे पास होती है। तो इस वाली आइडेंटिटी को लिखो, 4 को कैसे लिख सकते हो, 4 को ऐसे लिख सकते हो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यही है यहाँ पे। तो मैंने इस 4 को कैसे लिख दिया, एक बार 3 और एक बार 1, तो टोटल तो 4 हो गए। ये इसके साथ मिलके क्या बन गया, 1 मिल गया, और ये यहाँ पे आ गया 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये इक्वेशन अब किसके बराबर हो गई, kp बाय आर क्यूब cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। अगर थीटा पता हो, थीटा कौन सा एंगल है ध्यान से देखो, थीटा एंगल है जो आपका डाइपोल किससे बना रहा है, एक्चुअल वाले डाइपोल से। ठीक है, ये वाला एंगल है, ये दिस एंगल इज थीटा। अगर फाई बोलूं, फाई निकालने को बोलूं तो कैसे निकालोगे, ई परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ई पैरेलल, यही होता है ना, टेन फाई होगा। तो टेन फाई क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर वाला एंगल कौन सा है, ई टू डिवाइडेड बाय एक्सियल वाला, ये क्या होगा ई वाई, ई वन। तो इनको क्या कर दोगे, अगर इनको सॉल्व कर दोगे ई टू बाय ई वन की वैल्यूज, क्या आ जाएगा आपके पास, टेन फाइव आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, टेन फाइव रखो वैल्यू, चलो कैलकुलेट करके बताओ टेन फाइव कितना आ रहा है, ई टू बाई ई वन करो, नहीं सभी बच्चे बताएंगे
टेन ई टू बाई ई वन करो टेन फाइव के लिए. कौन बताए? दिव्यांश तुम बताओ. दिव्यांश टोल्ड मी टेन फाइव को निकालने के लिए क्या करना है. देखो ये फाइव है तो फाइव हमेशा कैसे निकालते हैं, ऊपर हमेशा कौन सा टर्म आता है जो परपेंडिकुलर वाला हो, अपॉन में पैरेलल वाला. तो ई टू बाय ई वन करो. ई टू की वैल्यू कितनी है देखो, यहां से निकालो और ये निकालो. ई टू का ये वन बाय टू. मैम टेन थीटा बाय टू आ रही है. राइट, वन बाय टू टेन थीटा. ठीक है, तो अब कई बार क्या होगा, फाई अगर पूछे और थीटा दिया हो तो ये वाला रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ अब फाई कौन सा एंगल है, देखो फाई एंगल है जो ई नेट बना रहा है किसके साथ, ई वन. और ई वन कौन सी वाली है, जो पैरेलल वाला है, एक्सियल पॉइंट वाला. ये याद रखना, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे जैसे एंगल्स इस डायग्राम में बने हुए हैं वैसे वैसे ही याद रखना. अगर फाई को इसके साथ ले लिया इस वाले के साथ तो अलग कुछ ना कुछ आंसर आएगा, क्योंकि ये वाला एंगल यहाँ से फिर अलग लेंगे. ठीक है, तो ये इसके साथ ये एंगल होगा, ये याद रखना, पॉइंट्स में अपने नोटबुक्स में लिख लो. ठीक है, तो हमारा डायपोल कंप्लीट है. इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट हो चुका है तुम्हारा. इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंप्लीट. अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, गॉस लॉ और फ्लक्स. मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ, फ्लक्स तो हम लोग आज करके जाएंगे, फ्लक्स के ऊपर न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे. और कल से स्टार्ट हो जाएगा गॉस लॉ. तो गॉस लॉ इतना इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ की क्लासेस मत मिस करना. फिर गॉस लॉ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे. तो पोटेंशियल भी अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से पढ़ लिया तो पोटेंशियल भी कंप्लीट. ठीक है, तो देखो मैंने तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत जल्दी और बहुत सही समय पर कंप्लीट कराया है. मैं चाहती हूँ तुम लोग ज्यादा पीछे ना हो जाओ. ठीक है, चलो अब हम करते हैं गॉस लॉ. ठीक है, डाइपोल की आज तुम्हें मिल जाएगी डीपीपीज, वो टाइम से सॉल्व कर लेना. आज मैं तुम्हारी क्लास में डीपीपीज शेयर करूंगी डाइपोल के लिए. इलेक्ट्रिक फील्ड की कर चुकी हूँ और इसके लिए कर देंगे डाइपोल की, अगर आज मिल गई तो मुझे. चलिए ये नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा. इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत अच्छा टॉपिक है. फ्लक्स देखो, फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी, हाँ हैंड रेज किया है किसी ने, अच्छा अटेंडेंस चाहिए. भैया अटेंडेंस भेज दो, सर को अटेंडेंस भेज दो. फ्लक्स क्या है, देखो फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो करना. ठीक है, फ्लक्स का मतलब है फ्लो. जैसे ये कहा है, क्या है यहाँ पे, अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो मैं इसे बोलूंगी वाटर फ्लक्स. ठीक है, ऐसे क्या होगा, अब लोग क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे एयर है तो एयर फ्लक्स. अब देखो अगर मैं इस पॉइंट को रोक दूं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि अगर फैन अगर सिर्फ यहाँ पे हवा दे रहा है, मान लो फैन का फेस इधर है तो फैन किधर डायरेक्शन में हवा देगा, देखो अगर तुम्हें मेरा हैंड दिख रहा है तो फैन का अगर फेस इधर है तो फैन सारी हवा इस डायरेक्शन में देगा. क्या तुम्हें इस फैन के जस्ट अपोजिट एयर मिलेगी, नहीं मिलेगी. तो वहां पे मैं कह सकती हूँ कि फैन के जस्ट अपोजिट एयर फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो है. ठीक है, और अगर मान लो मैंने वाटर यहाँ इस कंटेनर में कलेक्ट कर लिया, तो मैंने बोला कि हाँ इस कंटेनर में क्या है, मेरे पास वाटर फ्लक्स है. ठीक है, बट जो वाटर इस टब के बाहर गिर जाए, सपोज करो कुछ वाटर इस टब के बाहर गिर जाए और कलेक्ट ना हो, तो मैं क्या बोलूंगी कि यहाँ पे जो फ्लक्स है वो क्या है,
जीरो है, यानी अगर आउटसाइड की बात करूं मैं कहूं कि यहाँ पे वाटर फ्लक्स मुझे कितना मिल रहा है, तो वाटर फ्लक्स कितना मिल रहा है, जीरो। क्यों? क्योंकि मैं कुछ भी यहाँ पे कलेक्ट नहीं कर पाई है ना, यहाँ पे मैं कुछ कलेक्ट नहीं कर पाई। तो ये होता है फ्लक्स का मतलब कि जैसे एयर है तो यहाँ पे तुम्हें कितनी एयर मिल रही है, नहीं मिल रही तो जीरो। ऐसे ही वाटर, किस कंटेनर में तुम्हें वाटर फिल करना है, उसमें कितना वाटर फिल हुआ उसे तुम बोलोगे वाटर फ्लक्स। इसी तरीके से क्या होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो किसकी वजह से जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, फ्लक्स होगा। सपोज करो कैसे, मान लो कि तुम्हारे पास एक ये अपनी कॉपी उठाओ, सभी अपनी अपनी जो तुम्हारे पास कॉपी है उन्हें उठाओ, ठीक है। उस कॉपी पे जो तुम्हारे हाथ में पेन है उसको ऐसे रखो, इस तरीके से जैसे मैंने रखा है, दिख रहा होगा, इस तरीके से पेन को रखो अपनी कॉपी पे। और देखो मैं कह रही हूँ कि इस पेपर पे जो फील्ड लाइंस है वो इस तरीके से क्रॉस करके जा रही है, ठीक है, इस तरीके से क्रॉस करके जा रही है, मतलब इस तरीके से। ये तुम्हारा एक पेपर है, ये तुम्हारा पेपर है और फील्ड लाइंस बच्चों ऐसे स्लाइड करते हुए जा रही है इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इस पेपर पे ऐसे स्लाइड करते हुए जा रही है। बट फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स की मैंने वैल्यू क्या बताई है कि मुझे कुछ ना कुछ क्वांटिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। अब ये पेपर है, अगर इस पेपर से फ्लक्स ऐसे जा रही है स्लाइड करके, तो मैंने क्या बोला, फ्लक्स जीरो है। क्यों? फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, जब भी फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस को चीरते हुए बाहर निकले, यानी उनको क्रॉस करते हुए बाहर निकले, क्रॉस करते हुए, यानी ये आपका पेपर है, जो पेपर मैंने अभी दिखाया था ये पेपर, और इसमें से आपकी फील्ड लाइंस इस तरीके से क्रॉस करके बाहर निकले, तो आप क्या कहोगे, यस यहाँ पे क्या है, फ्लक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो फ्लक्स क्या होगा, जब भी फील्ड ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस करें तो मुझे फ्लक्स की वैल्यू मिलेगी। देखो यहाँ इस केस में फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। बट इस केस में देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करके रखती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको टिल्ट करके रखा, और अब फ्लक्स की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ऐसे करके क्रॉस करके बाहर जा रही है। देखो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, इसको क्रॉस करके बाहर जा रही है, तो मैं क्या बोलूंगी, अब मुझे इस पेपर के अंदर कुछ ना कुछ फ्लक्स मिलेगा, राइट। यहां से फील्ड लाइंस आई और यहां से क्रॉस करके चली गई, तो सबसे पहले फ्लक्स क्या होगा कि फील्ड लाइंस को किसी भी ऑब्जेक्ट से क्रॉस करके जाना इज इम्पॉर्टेंट। अब देखो किस किस चीज पे फ्लक्स जो है डिपेंड करेगी, ये तो समझ में आ गया कि फ्लक्स क्या होती है। किसी को नहीं आया तो अभी भी पूछो कि व्हाट इज फ्लक्स। फ्लक्स की डेफिनेशन नहीं आए तो पूछो। ठीक है, क्या होना चाहिए, पेनिट्रेशन होना चाहिए या क्रॉस करके जानी चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि फ्लक्स है। अच्छा, दूसरा, हम लोग फ्लक्स क्यों निकालते हैं, राइट। तुम बोलोगे कि मैम फील्ड तो हमने पढ़ ली, फ्लक्स की क्या जरूरत है। तो देखो फ्लक्स हमें क्या बताता है, फ्लक्स हमें मोर क्वांटिटेटिवली ये आइडिया देगा, मोर क्वांटिटेटिवली आइडिया मिलेगा कि कहाँ पे फ्लक्स फील्ड लाइंस ज्यादा है, कहाँ पे फील्ड लाइंस कम है, ठीक है। जब हमें पूरा फील्ड लाइंस का आइडिया अच्छे से मिल जाएगा, किसकी वजह से, फ्लक्स की वजह से। क्यों मिल जाएगा, पहली बात फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है हमारी, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये याद रखो। फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी तो तुम क्या कह सकते हो, उतना फ्लक्स ज्यादा है, या जितना तुम फ्लक्स कैलकुलेट कर लो कि यहाँ पे फ्लक्स ज्यादा है। देखो फील्ड लाइंस तो तुम्हें दिखेंगी, तुम मुझे एक बार बताओ क्या फील्ड लाइंस विजिबल हैं? मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है, फील्ड लाइंस इज नॉट विजिबल। तो और फील्ड लाइंस गिव द इंडिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का इंडिकेशन क्या देंगी, फील्ड लाइंस। तो फील्ड लाइंस को हर किसी चीज के लिए तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके लिए मैंने एक क्वांटिटी बना दी फ्लक्स, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। भाई तुम फ्लक्स कैलकुलेट कर लो, बहुत आसान तरीके से फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू ज्यादा आ रही है तो तुम कह दोगे यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है वो ज्यादा है, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है।
ठीक है, तो ये फ्लक्स किसको डायरेक्टली इंडिकेट करेंगी, फील्ड लाइंस को। अगर फ्लक्स कम है, अगर फ्लक्स की वैल्यू लो है, तो तुम डायरेक्टली इंडिकेट करोगी फील्ड लाइंस भी क्या है हमारे पास, कम है। तो इस तरीके से ये क्या करती है, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन देंगी फील्ड लाइंस का। फील्ड लाइंस कैलकुलेट करना हमारे लिए टफ है, बट अब हम लोग, अब देखना तुम लोग, फ्लक्स से हम लोग किसी भी उसके लिए, शेप के लिए तुम लोग फ्लक्स निकाल सकते हो। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, देखना ठीक है। अब देखो आगे, देखो फ्लक्स किस किस चीज पे डिपेंड करेगी, ये इंपॉर्टेंट है, फ्लक्स किस किस चीज पे डिपेंड करेगी। देखो मैंने अभी ये फील्ड लाइंस बनाई है, एक सेकेंड, देखो किस किस पर डिपेंड करेगी। मान लो मैं क्या करती हूं, मैंने यहाँ पे एक सरफेस लिया ये, ठीक है, तो इस सरफेस से बच्चों कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, इस सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है बताओ, 1 2 3। अब मैंने क्या करा, मैंने जो सरफेस एरिया लिया मैंने वो क्या कर दिया, देखो लार्ज कर दिया। अब इस सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस कर रही है, जितनी भी है 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 6 फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, यहाँ से सिर्फ 3 फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है। इसका मतलब फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके एरिया पे। अगर देखो भाई है ना, पानी का कंटेनर, अगर मैंने कंटेनर बड़ा रख दिया, अगर मैंने कंटेनर बड़ा रख दिया तो मैं ज्यादा पानी कलेक्ट कर पाऊंगी, तो मेरे को फ्लक्स, वाटर फ्लक्स क्या मिलेगा, ज्यादा है ना। और अगर तुमने छोटा सा सिर्फ ग्लास रखा, उसमें तुम कितना पानी कलेक्ट कर पाओगे, चाहे कितना ही पानी हो, है ना, जैसे वाटर फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो चाहे कितना ही पानी हो, अगर तुम्हारे पास जहां पे तुम्हें वो पानी को इकट्ठा करना है वही कंटेनर छोटा है, तो तुम फ्लक्स को क्या नहीं कर पाओगे भाई, बढ़ा ही नहीं पाओगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ही फ्लक्स उससे ज्यादा होगी, क्यों, फ्लक्स क्या है, कितनी फील्ड लाइन क्रॉस करके जा रही है सरफेस को। फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है, फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन देखो, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसेस द सरफेस परपेंडिकुलरली, वही है हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो फ्लक्स में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, यानी जितनी फील्ड लाइंस उतनी फ्लक्स ज्यादा। पहला एरिया, पहला तुम्हारे पास आया पॉइंट एरिया, पहला पॉइंट क्या आया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एरिया डिपेंड करेंगी एरिया पे, यानी जितना बड़ा एरिया उतनी ही फ्लक्स लाइन। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, आप देखो तुमने ले लिया इतना बड़ा टब, ठीक है, इतना बड़ा टब ले लिया, बट पानी उसमें से कितना आ रहा है, बहुत लिटिल अमाउंट का पानी आ रहा है, गर्मी पड़ रही है भाई, पानी खत्म हो गया दिन में, ठीक है, पानी बहुत कम आ रहा है। अगर पानी नहीं है तो क्या तुम उस टब को फिल कर पाओगे, बोलो, पानी नहीं है क्या टब को फिल कर पाओगे, नहीं। तो दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, वॉटर पे, वॉटर फ्लक्स, राइट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे भी आपका फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे, राइट, जो कैलकुलेट करनी है उसका मेजर उसमें तो डिपेंड करेगा ही करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तीसरा किस पे डिपेंड कर रहा था, जैसे अभी मैंने फैन वाला एग्जांपल दिया कि फैन है जो तुम्हारा पंखा है, यहाँ पे हवा फेंक रहा है ना। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ पे हवा लेने के लिए मैं उसके जस्ट अपोजिट बैठ गई, क्या मुझे एयर फ्लक्स फील होगा, क्या मुझे एयर फ्लक्स फील होगा, नो मैम ना, अब नहीं होगा। अच्छा एक और डायग्राम समझो, यहाँ पे देखो, अगर मैं ये जो टब मैंने जस्ट पानी के नीचे लगाया है, मैं इसको साइड में कर दू, सारा पानी नीचे जा रहा है, टब में पानी नहीं आ रहा, तो मुझे उस टब में जो फ्लक्स मिलेगा वो कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। इसका मतलब फ्लक्स कहीं ना कहीं किस पे और डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शंस पे भी
या एंगल पे डिपेंड कर रहा है, राइट और रॉन्ग? यस मैम। फ्लक्स आप किसी ना किसी, हाँ तो फ्लक्स एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। तो देखो अब फ्लक्स को डिनोट कर रहे हैं फाई से। फ्लक्स का अगर आपको लिखना है क्या फॉर्मूला, तो लिखो ई ए, ई डॉट ए, ई डॉट ए। अब आएगा कि भाई एंगल कौन सा लेना है, राइट? अब ये तो तुमने, मैम ने ये तो बता दिया कि एंगल पे डिपेंड कर रहा है, बट किस एंगल पे किस तरीके से डिपेंड करेगा वो एक बार चेक करिए, हम तुम ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी। देखो ये एक सरफेस है, ठीक है, मैंने बोला इस सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहाँ पे है, कुछ एंगल थीटा से आ रही है, ठीक है, कुछ एंगल थीटा से इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ थीटा एंगल बना रही है इसके हॉरिजॉन्टल से, अभी जस्ट लो इसके हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना दिया। अब देखो ये सरफेस है, इसपे जो साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट होगा, देखो जो साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट है ई का, और ये कौन सा होगा ई कॉस थीटा कॉम्पोनेंट। अब देखो ये मेरा सरफेस है रेक्टेंगुलर सरफेस, ई साइन थीटा देखो किस तरीके से जा रहा है, अगर तुम देख पा रहे हो ई साइन थीटा स्लाइड कर रहा है, देखो ई साइन थीटा कॉम्पोनेंट स्लाइड इट बट नॉट क्रॉस इट, ई कॉस थीटा कॉम्पोनेंट विल पेनिट्रेट इट, राइट, क्रॉस कर रहा है। तो एंगल हम कौन सा लेंगे, ई ए कॉस थीटा, ये हमेशा वेरीफाई रहेगा, ई ए कॉस थीटा ही हम लोग एंगल लेके चलेंगे। अब यहाँ पे बच्चों जो बात आई है एरिया, ये एरिया क्या है, ए इज द एरिया तो है ही, अब जो एंगल है कॉस थीटा, मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि कॉस थीटा है, अब ये एंगल कॉस थीटा है किस किस के बीच में, देखो किसके बीच में है, ई के बीच में और ए के बीच में। ई क्या है हमारी, तो देखो फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है मुझे बताओ, स्केलर, स्केलर, यस मैम, फील्ड इज वेक्टर, यस मैम, एरिया भी यहाँ पे कैसा होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी। क्या एरिया वेक्टर अभी तक पढ़ा है किसी ने, एरिया वेक्टर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो ज्यादा टेंशन मत लो, मैं पढ़ाऊंगी। अब यहाँ पे मैंने क्या कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, कॉस थीटा जो एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। यहाँ देखो एरिया तो रहेगा, जब मैग्नीट्यूड लिखोगे तो एरिया तो लिखोगे, बट एरिया के साथ साथ उसकी क्या लिखोगे, डायरेक्शन, एरिया वेक्टर है ना, एरिया वेक्टर का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा एरिया का बट उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होगी, तो एरिया वेक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब बात आई कि मैम एरिया वेक्टर क्या है, तो देखो एरिया वेक्टर समझो, एरिया ऑफ सरफेस हम लोगों ने पढ़ लिया, एरिया वेक्टर बच्चों, एरिया वेक्टर क्या है ध्यान से सुनो, कोई भी सरफेस है, कोई भी सरफेस का अगर एरिया वेक्टर लेना है, मान लो मेरा ये एक सरफेस है, चलो थोड़ा सा आसान तरीके से समझा देते हैं, बहुत हो गया ये, आसान से समझो कोऑर्डिनेट से, ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है बच्चों, ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट है, मैंने यहाँ जस्ट नॉर्मल एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया जिसकी ये ए बी सी डी, रेक्टेंगल की क्या होगी लेंथ होगी, मैंने इसको माना लेंथ एल, विड्थ होगी पी, ठीक है, लेंथ लिख ली और ब्रेथ लिख ली। अच्छा अब मैं पूछूं कि मुझे ए बी सी डी का रेक्टेंगल का एरिया बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी क्या बताओगे भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी का, लेंथ इनटू ब्रेथ, हां क्रॉस बी सी इक्वल्स टू एल क्रॉस बी, राइट, यही बताओगे, यस मैम, यस। अब मैं पूछूं, मुझे भाई एरिया के साथ साथ मुझे डायरेक्शन भी चाहिए, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ अब एरिया वेक्टर की, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे लेते हैं, हमेशा जो आपका सरफेस एरिया है उसके परपेंडिकुलर, जो सरफेस एरिया है उसके परपेंडिकुलर, तो सरफेस एरिया यहाँ पे बच्चों किस प्लेन में है, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो सरफेस एरिया है दिस इज इन द, देखो ए बी सी डी इज इन एक्स वाई प्लेन,
और एरिया वेक्टर हमेशा क्या लेंगे, नॉर्मली आउटवर्ड्स, नॉर्मली आउटवर्ड्स ऑफ सरफेस। देखो यहाँ पे एरिया वेक्टर इज ऑलवेज टेकन, अपनी नोटबुक्स में हाईलाइट करके लिखो, इज ऑलवेज टेकन रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस। कोई भी ऑब्जेक्ट का सरफेस है उसके आउटवर्ड्स में क्या लेनी है तुम्हें, आपको एरिया वेक्टर लेना है। तो इसका मुझे बताओ एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, एक्स वाई प्लेन में, आउटवर्ड्स यानी तुम्हारी शक्ल के सबकी आउटवर्ड्स आ रहा होगा, यानी इस लैपटॉप से बाहर निकलता हुआ, राइट। रेडियल आउटवर्ड्स का मतलब क्या हो गया भाई, ये सरफेस है मुझे इस लैपटॉप स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आउटवर्ड का मतलब क्या है, ये मेरी कहाँ आ रहा होगा, मेरी तुम सबकी शक्ल की तरफ आ रहा होगा, यानी टुवर्ड्स योर फेस, इस वाले एक्स वाई का। और परपेंडिकुलर कैसे भी ले सकते हो, देखो नॉर्मली एक्स वाई है, एक्स वाई के परपेंडिकुलर कौन सा होगा, जेड, कौन सा कोऑर्डिनेट, के कोऑर्डिनेट होगा जेड एक्स जेड। तो इसका जो एरिया वेक्टर बच्चों आएगा जब आप एल बी लिखोगे तो वो किस किस में आएगा, एल बी के कैप, ठीक है, इस तरीके से ये डायरेक्शन। अच्छा अभी तो हमने एक सरफेस के लिए, एक दो सरफेस के लिए और बता देती, वैसे तो अभी क्वेश्चन करोगे ना तो वहां पे तुम अपने आप देखना सारी डायरेक्शन लोगे। अच्छा यहाँ पे आओ, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन, मान लो ये क्या है, स्फेयर है, ठीक है, ये स्फेयर है, इस स्फेयर के मुझे यहाँ पे ए पॉइंट पे एरिया वेक्टर बताओ, वेक्टर बताना है इस डीएस सरफेस के लिए, मैंने छोटा सा एरिया काटा यहाँ पे डीए, इस डीए के लिए मुझे एरिया वेक्टर बताओ कहाँ होगा, परपेंडिकुलर होगा यानी इस तरफ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डीए वेक्टर काटती हूँ बच्चों, परपेंडिकुलर होगा यानी इस तरफ, ठीक है, आउटवर्ड्स, देखो सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड्स, कभी भी अंदर मत ले लेना, इनवर्ड्स, मैंने रेडियली आउटवर्ड्स तभी मैंने ये लिखवाया है यहाँ पे हेड, इसको मैं अंडरलाइन भी कर देती हूँ, अंदर नहीं लेना हमेशा बाहर लेना है, रेडियली आउटवर्ड्स। अब देखो अगर मैं बात करूं तुम्हारे पास ये सिलेंडर की बात करूं, सिलेंडर की दो सरफेस हो गई बच्चों, एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये, ठीक है, पहली सरफेस के लिए मुझे बताओ एरिया वेक्टर कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट, वेरी गुड, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड्स लेना है, हम अंदर की तरफ नहीं ले सकते, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर यहाँ होगा, एन कैप से दिखाते हैं कई बार, आप किसी से भी दिखा वो शो कर सकते हो, जनरली एन कैप से शो करते हैं, ठीक है। अच्छा सर थर्ड के लिए बताओ, थर्ड के लिए कहाँ होगा, राइट हैंड साइड, वेरी गुड, राइट साइड। अच्छा सेकंड के लिए इस सरफेस पे बताओ, मैम ऊपर, हैं ऊपर, टॉप और डाउन, अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड्स, वेरी गुड, तो अब तुम लोग सीख गए हो, राइट। तो इस तरीके से तुम्हें क्या लेना है, एरिया वेक्टर, और जो ये मैंने यहाँ पे कॉस थीटा निकलवाना सिखाया है, दिस कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, वेक्टर के बीच का एंगल है ये, ठीक है, ध्यान रखना एरिया वेक्टर के बीच का, ठीक है। चलिए अब हम लोगों ने ये पढ़ लिया, और ये वाला क्वेश्चन करो और मुझे आंसर बताओ, सात बज गए ना, ये लास्ट क्वेश्चन कर दो, ये बाकी का हम लोग कल करें, इससे मुझे ये आइडिया लग जाए कि हाँ तुमने सीखा है। फ्लक्स को ईट ए कॉस थीटा, मैं नहीं बताऊंगी, बस तुम आंसर बताओ। बेसिक है एकदम, बच्चों आंसर आया,
देखो e की वैल्यू लिखो i प्लस रूट टू जे प्लस रूट थ्री के, ठीक है। सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 100 मीटर, तो एरिया की वैल्यू कितनी है 100। अब आपको क्या चाहिए भाई, एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, एक्स वाई प्लेन में है तो किसमें होगी इसकी डायरेक्शन, के कैप, के कैप, के कैप। तो बस अब के कैप में देखो आई आई वाला भी टर्म नहीं है, जे वाला भी टर्म नहीं है, तो रूट थ्री के पास है के। हाँ, तो देखो अब कितनी आ गई, रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है 1.732। अब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया 1731। यस मैम, द आंसर इज सी। तो ये बेसिक वन था, दिस वन इज द बेसिक वन। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने 3-4 क्वेश्चन लगाए हुए हैं, ये हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यस मैम, यस मैम। देखो तो ये होता है कि किस टॉपिक पे कहाँ पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है ये मुझे पता है, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन। डीपीपी शेयर हो जाएंगी, डाइपोल भी सॉल्व कर लेना। यस मैम, एक्सक्यूज मी। हाँ जी बोलिए मैम, आज हिमाचल की अटेंडेंस शेयर नहीं। हाँ तो हिमाचल की अटेंडेंस आई तो होगी ना ग्रुप में, नहीं आई है तो आप एक बार सर से पूछ लेना, आपको सर जो अभी तक शेयर करते थे वो सर शेयर कर देंगे एक बार ग्रुप में, हो सकता है ग्रुप में आ गई हो, डोंट वरी ग्रुप में आ जाएगी। यहाँ पे नहीं आई है हिमाचल की अटेंडेंस,